हेलो दोस्तों, सुबह के बजे हैं 6 और आज दिन है आज हमारा 5 जनवरी। मैं जा रहा हूँ गोला नदी की ओर, जो आज हमारा गेट है राजपुरा वहाँ की तरफ। ये देखिए कालूसाई मंदिर नैनीताल रोड पे जो रास्ते में पड़ता है, आगे मिलेगा हमें तिकोनिया चौराहा, जहाँ से हम राइट को कट के कैंटीन को आर्मी कैंट को जो रास्ता जाता है वहीं से हमारा राजपुरा गेट के लिए रास्ता है, जहाँ पर हम लोग जाकर आज हमारा खनन सत्र का पहला दिन है राजपुरा गेट में। और कुछ व्यवस्थाएँ पहले से चेंज हुई हैं इस बार, देखिए उस बारे में अपने खनन व्यवसायी साथियों से बात करेंगे और आपको आगे की जानकारी उसके साथ देंगे। ये देखिए यहाँ पे फाटक लग चुका है ट्रेन का, ट्रेन आ चुकी है। और ये ट्रेन के जाते ही फाटक खुलेगा, जहाँ से हम राजपुरा गेट की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ पहुँचकर हम आपको दिखाते हैं पहले से जो कांटे की तुलाई होती थी गाड़ियों की, वो कांटे के इलेक्ट्रॉनिक कांटे के द्वारा होती थी। इसमें कुछ विवाद होने के कारण ये कोर्ट में मामला निलंबित है, तो नपाई घन मीटर में हो रही है, आगे की जानकारी भाई लोग देंगे हमारी। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस व्यवस्था के बारे में? बहुत बड़ी व्यवस्था चल रही है, बहुत बढ़िया, हम बस खुश है। आज हमारा गेट और क्या गाड़ी तुम्हें यही सब पहला दिन है, होता ही बड़ा दिन, तुम क्या कर रहे हो ना, और काम तो होना ही होता है, क्या कर रहे हैं ऐसे। ये हमारे वीर जी जिनने भी बीच में आई दीदी व्यवस्थाओं के बारे में, बढ़िया व्यवस्था चल रही है, ऐसी चलती रहेगी, हमारा देश और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा, ये डिजिटल इंडिया है। इस व्यवस्था के बारे में, ये व्यवस्था तो एक सरकार की अनौपचारिक व्यवस्था है, 20 तारीख तक कांटे लग जाएंगे, उसके बाद सब सुचारू रूप से होगा। इसमें व्यवस्था देखिए डिजिटल बदल गया इंसान, देखो भाई साहब आज के दौर में जहाँ हाईटेक जमाना आ चुका है, यहाँ सीधा लेके आप रहे हैं गाड़ियाँ। देख लो क्या हालत है, आंदोलन में आज उन्हीं की सबसे पहले गाड़ी आ रही है इस गेट में, हम तो आंदोलनकारी, हमारी गाड़ी अभी तक नहीं आई है, जब हमको समिति के निर्णय देख रहे हैं, आज क्या मीटिंग में निर्णय दे रहे हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी में प्रवेश करेंगे। ये बताओ ना कि कब से सीट मतलब गाड़ी चलती तुम्हारी, ये तो बताओ, अंतर करने की बताओ। सीट में जो आप भ्रम फैला जा रहा है वो मेरी गाड़ी नहीं है, वो मेरी किसी परिचित की गाड़ी है, और दुनिया भाव में ध्यान मत दिए, इतने सेम में आदमी है, और कृपया पूरे साक्ष्यों के साथ बोलिए। क्या बताया, देख लो काम धाम। फिर आपने कोरंगा जी और हमारे धोनी जी के बीच में जो बात हुई, घन मीटर में तुलाई हो रही है फीते के द्वारा, जिससे कि कुछ लोग रुष्ट हैं कि ये कारण गलत है, इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तुलाई होनी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, कांटे का मामला कोर्ट में निलंबित होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इसको चुना गया है। देखिए कुछ और खनन साथियों से बात करके क्या कहना है उनका। जो ठेकेदार आ रहा है उसको क्या कह रहे हैं, वो कह रहे थे हम फरवरी में आएंगे, कांटों में अपने लड़के बैठाएंगे और हम अपने हिसाब से इस रॉयल्टी में, नहीं वो कह रहे थे निगम के लड़के बैठेंगे, हमारे 3 लड़के बैठेंगे, जो चले वही चलेगा, वो गाड़ी की बात नहीं करती, गाड़ी भेजेंगे, ये गाड़ी भेजेगा तो कैसी बात, मना करते गाड़ी के लिए यार, बाकी वो जाने गाड़ी के, फिर वो कह रहे मना कर रहा था कि हमारे पास अभी टेंडर के पूरे जो है जाकर पूरा आने दो, हमारे पास ओरिजिनल कागज, तब हम बैठेंगे यहाँ पे बिना कागज से बैठेंगे, गाड़ी अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम शासन प्रशासन की पूरी मदद देंगे। और वो बाहर उनको अधिकार, उनको पूरा अधिकार दिया गया है बाहर, वो किसी और गाड़ी का चलान कर सकते हैं। बात सुनो, अपने खनन व्यवसायी साथियों से चर्चा के बाद हम निकलते हैं गोला नदी की तरफ की ओर, जहाँ पर चलो आ गया गोला में खनन किया जाता है मजदूरों द्वारा। ऐसे हेलो देखिए बोलो बोलो तुम गाइस, ये हम जा रहे हैं अपनी गोला नदी में, जहाँ से हमारा रोजगार का संचालन होता है, जहाँ से हमारी गाड़ियाँ खनिज देकर इस निकासी गेट में आती हैं, हम यहाँ से निकासी करते हैं, और ये हमारा गेट है राजपुरा गेट है, बहुत ही साफ सुथरा तो उतना नहीं है, मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इस गेट को अच्छे ढंग से साफ सुथरे पे ध्यान दें, इस गेट में गंदगी ज्यादा है, स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पर कम दिखता है हमें। और ये हम अपने नदी तल में पहुंचने वाले हैं, वो देखिए सामने हमें दिखाई दे रहा है हल्द्वानी का स्टेडियम जो गोलापार में उपस्थित है, ये पूरा साफ दिखाई देता है हमारे गोला राजपुरा गेट से। और ये हम पहुंच चुके हैं अपने नदी तल पर, आज पहला दिन है, तो गोला माँ से आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा सत्र हमेशा की तरह खूब अच्छा जाए, तो माता जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह हमारे रोजगार का प्रथम साधन है।
देखिए आगे बढ़कर आपको दिखाते हैं कैसे, ये देखिए आगे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लेबर भाई लोग हमारे जो मजदूर हैं बिहार के, वो लोग कार्य में अपने लगे हुए हैं, गाड़ी लोडिंग हो रही है मैन्युअली, मशीन चलाना यहाँ पर अलाउड नहीं है। ये दो हमारे बुग्गी वाले भाई लोग लगे हुए हैं, इनसे पूछते हैं क्या है इनकी राय गोला खुलने पर। हाँ भाई लोगों, कैसे लगा आपको गोला खुल के? ना ना है यार, चलो ये हमारे चेतन भाई, चेतन नेगी, ये इनकी गाड़ी बढ़ी जा रही है समय लेट, और दूसरी बात ये हमारे साथी भाई लोग सबके सब बेचारे मेहनत करते हैं यहाँ पर, ये देखो आप देखोगे, ये देखो चेतन भाई आप क्या कहना चाहिए बताइए। काम चल रहा है, आज से हमारा गेट भी खुल गया है, देखिए काफी अच्छा रहेगा, हम लोग काफी खुश है यहाँ पर। तो मतलब आप लेबर क्या चाह रही है आपसे ये बताइए, आप लेबर क्या चाह रही है आपसे? लेबर कुछ नहीं चाह रही है, लेबर अभी हमारे 70 आदमी, हमने अभी बात हुई थी ठेकेदार से, 70 आदमी बिहार से बैठे हुए जी, लेंगे अब जल्दी ही जैसे भी। हाँ तो खनन हमारी जो हो रही है, हमारे चेतन भाई हमारे चाहते हैं कि लेबर को कोई परेशानी ना हो, मगर ये बुग्गी वाले ये देखिए आप देखिए साहब। हेलो, और ये काना भाई आ गए हमारे, और आज पहले गोला का शुरुआत है, हमारे ये काना भाई आए हैं, आओ काना भाई बैठो, आओ आओ। अरे वो एक आए सामने, अरे तो देखो तो इधर को आओ, उधर को चल ले, उधर लेबर के पास चल ले, गाड़ी वैसे लेते ना ले। पार्टी है भाई लोगों, क्या खा रहे हो, खाना खा रहे हो? खाइए खाइए, क्या बना रखा आज आप लोगों ने? कौन सी पार्टी है, किसके आदमी हो तुम? रामचंद्र का। रामचंद्र, नमस्कार, बस लोग बताओ भाई लोग, बढ़िया मेहनत करके बिल्कुल गाड़ी वाड़ी भर के सुबह 4 बजे से अब खाना खा रहे हैं। अरे YouTube चैनल में डालेंगे, बहुत बहनती लोग हैं हमारे भाई लोग, आओ आओ आओ, हमारे जो प्रवक्ता है ये हमारे बिहार राज्य के इतने बढ़िया मजदूर भाई लोग हैं। देखो हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ हर किसी को आजादी है, कहीं भी रोजगार कर सकता है, अपना दो रोटी रोजी कमा कर बच्चा पाल सकता है, ऐसे हमारे बिहार के मजदूर भाई लोग हैं, हम इनको प्रणाम करते हैं, ऐसे बिहार के हम इन भाई लोगों को प्रणाम करते हैं हम। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो गोला का हमारा पहला दिन, बताइएगा जरूर हमें। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम देते हुए आगे की मंजिल की ओर प्रस्थान करते हैं, नदी दल से बाहर निकलते हुए जाएंगे हम, ये हमारे रोहित भाई, इनसे मिलते हुए हम आगे बढ़ेंगे और निकलते हैं अपनी अगले कार्यों को करने हेतु, और मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक, जिसमें बताएंगे गोला खनन के बारे में। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।